जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर जो एक तरक्की का सफ़र है जो यहाँ पे हो रहा है और जिसमें तरक्याती काम हो रहे हैं, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो हमारे यहाँ चेयरमैन रहे थे पहले मरहूम मियाँ गुलाम कादिर कुरैशी साहब, उनके नाम से ये पार्क और अम्यूज़मेंट की जगह जो है मुख्तस की गई और उसका आज यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। पूरे सिंध में तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जा रहा है जिस पे बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं, बावजूद इसके के जो बहुत तबाहकुन ये एक बड़ी नेचुरल जो यहाँ पे आई है डिज़ास्टर हुआ था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से फंड्स जनरेट हुए हैं ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। जो लोग तकालीफ में हैं उनकी भी सपोर्ट की जा रही है, जिनके घर घिर चुके थे पार्शली तौर पर या मुकम्मल तौर पर डैमेज हैं, उनका सर्वे तकरीबन हो चुका है, कोई 5-10% रह गया है, जैसे वो कंप्लीट होगा तो वो डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। और फिर काश्तकारों की सपोर्ट के लिए 5,000 रुपये पर एकड़ सीड की मद में गंदम के लिहाज से वो भी दिया जा रहा है। तो यहाँ के जो इश्यूज़ थे, आज अगर यहाँ की बात करें रोड़ी मेरा शहर, बहुत सारे तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। फिर एक बहुत देरीना इशू है हमारा यहाँ का कैटल, यहाँ पे कैटल बाहर निकालनी है, कैटल कॉलोनीज, तो वो भी शुरू हो गया है उसका काम और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से जो पैसों के बाड़े हैं वो बाहर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। पानी का भी स्कीमें आई हैं, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा रहा है, अम्यूज़मेंट और ख़ूबसूरती और लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हैं कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज जो है वो हो, तो वो भी कम्प्लीट हो चुका है। और ये वो तरक्याती सफ़र है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकाम पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम। स्टार न्यूज़ जियो पाकिस्तान के लिए।